तो आज की हमारी इस पावर बीआई की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन के लिए। उससे पहले मैं एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देता हूं मिस्टर संदीप जी के लिए। संदीप जी, आप बोल रहे हैं कि जब आप टेक्स्ट से डेटा को डाउनलोड करते हैं मतलब इंपोर्ट करते हैं तो उसमें डिलिमिटेड कैसे करें, राइट सर? तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा है, आपने जो डेटा आपने लिया हुआ है, उस डेटा के अंदर आपका डेटा सेपरेट किससे है। हाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको टाइप, यहाँ डिलिमिटर बताता है, जैसे कॉलन हो गया, कॉमा हो गया, सेमी कॉलन, इक्वल साइन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, स्पेस हो गया, टाइप हो गया, राइट। अब इनमें कोई नहीं है आपका, तो कस्टम पे जाइए, जैसे आपने बोला ना एट द रेट, तो यहाँ पे आप अपना एट द रेट को डालें, वो आपका सेपरेट हो जाएगा। जो एट द रेट आपका है वो एट द रेट डालें, उससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है? नहीं अभी नहीं देख सकता, बट आप शेयर कीजिए, मैं आप देख लूंगा। डेटा दिखाइए, पावर भी ओपन होगा तो डेटा दिखाइए। तो आपने साइन इन क्यों नहीं किया अभी तक इसमें? मैं बताया था ना आपको शायद, ओके। नहीं, आप क्या इसे कंबाइन करना चाहते हो सारे को? हाँ तो एक को सिलेक्ट कीजिए, हाँ ओपन कीजिए। एक मिनट लोड मत कीजिए, एक मिनट लोड मत कीजिए, अब लोड नहीं लो अच्छे तो दोबारा कीजिए सर, दोबारा ऐड कीजिए आपने सीएसबी नीचे एक सेलेक्ट कीजिए। रुकिए, वो लोड करने से रुकिए। ओके, दिस डेटा प्यू हैज बीन ट्रांसगेट ड्यू टू साइज लिमिट। तो
ट्रांजिट हो रखा है आपका, डेटा भी कहाँ है इसमें, तो कम ही डेटा है आपका। ओके ऊपर अब यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम है आपका कि ये प्रॉब्लम आपका जो ये पावर भी आई है इसको नहीं कर रहा है, इसलिए आपको डीलिमिटेड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसको लोड करने के बाद इसलिए आपको फॉर्म, इसका फॉर्मूला, इसमें लोड करने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसको एक्सेल में डाल दीजिए और एक्सेल से ले लीजिए। हाँ इस स्टडी में इसकी फॉर्मूला के साथ कंप्लीट लोड कीजिए, इसको लोड कीजिए। चलिए एक सेपरेटर का फॉर्मूला होता है इसमें, बैकग्राउंड शोर आ रहा है। डेटा बताइए, एक सेपरेट का फॉर्मूला होता है, उससे होगा स्प्लिट। एक यहाँ मैं इस पे जाइए, एक मिनट, अपने पावर बी आई आपका इसमें मॉडलिंग का टूल्स नहीं है, कौन सा पावर बी आई आपने डाउनलोड किया है सर? नहीं आप मेरी स्क्रीन देखेंगे तो उसमें मॉडलिंग के टूल्स दिखेगा आपको। नहीं सही से नहीं किया डाउनलोड आपने, लग रहा है आपके इसमें मेरा मेरा देखिए सर, वैसे मान लीजिए लोड कर दिया तो यहाँ दिख रहा है मॉडलिंग है मेरा, आपके पास होम और हेल्प है सिर्फ, मैंने में क्या है होम व्यू मॉडलिंग दो टाइप दिख रहा है आपने, दो दो टाइप नहीं है। एक मिनट, हाँ एक फिर से करना पड़ेगा सर आपको इसमें। पावर बी आई से चीट होगी, पावर बी आई का डाउनलोड करना होगा सर। मैंने जो लिंक भेजा है ना सर, उस लिंक से मैंने आप आईडी तो बना रखी थी ना मैंने आपकी, उसे लॉगिन कीजिएगा वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहां आपका हम इस पे आते हैं, जैसे डेटा आप मेरा मैंने अपलोड किया तो एक ही कॉलम का डेटा अपलोड हुआ राइट, तो इसमें मॉडलिंग में जाके यहाँ न्यू कॉलम पे आना पड़ेगा और न्यू कॉलम पे आने के बाद यहाँ पे हमें सेपरेट करना पड़ेगा इसको, एक स्प्लिट का फॉर्मूला होता है समझे, सेपरेट का फॉर्मूला, स्प्लिट का फॉर्मूला होता है। या इसे मिड लेफ्ट राइट मिड भी लगाना पड़ेगा,
के आता हूँ टाइप क्यूरी पे जाता हूँ, पावर क्यूरी खुल जाएगा। पावर क्यूरी में हम यहाँ एड कॉलर कस्टम कॉलम फ्रॉम एग्जांपल कस्टम कॉलम इसमें सेपरेट का फॉर्म होगा। नहीं चला यहाँ पे सिंटेक्स एरर ट्रक स्प्लिट कॉलम नहीं हुआ सिर्फ कॉलम। स्प्लिट का ही फॉर्मूला चलेगा, मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसका कि क्या होगा इसमें। ठीक है ना, स्प्लिट कर दूँ, स्प्लिट का ही चलेगा, एक बार देख लेता हूँ। क्योंकि क्या है सर, मैं एक्सेल मोस्टली यूज करता हूँ, मैं तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम एक्सेल में इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, कभी एक बार इसको कर देता हूँ।